जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो मूल मंत्र में। जी हां, एक ऐसा मूल मंत्र जो आपके जीवन में उम्मीद की किरण जगा देता है, जो परेशानियों को काफी हद तक आपसे दूर भगा देता है, जो आपको एक राह दिखा देता है। नहीं, चलिए शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। पहले तो जान लेते हैं कि क्या है आज का मूल मंत्र और किन व्यक्तियों को समर्पित है। बहुत शोध और बहुत रिसर्च के बाद ये मूल मंत्र हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपके जीवन की कठिनाइयां थोड़ा दूर जा सके, आपके जीवन में थोड़ी सुगमता, सरसता, सहलता आ सके। उस सहजता को लाने के लिए ही हम आप तक ये पहुंचाते हैं। क्या करें जब लाख कोशिशों के बाद भी बच्चे का विवाह का योग ना बने या आपका खुद के विवाह का योग ना बने, बहुत कोशिश के बाद भी ना बने, क्या करना है? आज का मूल मंत्र होने के लिए, यदि आपके घर में आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, किसी के साथ यदि ये समस्या है, तो आज का मूल मंत्र विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है। जानेंगे इस मूल मंत्र में कौन से ऐसे खास उपाय जो बहुत जल्द बनाएंगे आपके विवाह के योग। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आगामी 23 और 24 अक्टूबर जयपुर में रहेंगे। जो लोग जयपुर से हैं या जयपुर के आसपास से हैं, उनके पास सुनहरा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है मुलाकात करने का, मिलने का। जयपुर में अगर आप मिलना चाहते हैं हमसे फेस टू फेस, तो फटाफट नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें और अपना अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द बुक करा लें, 23 और 24 अक्टूबर। चलिए जानते हैं आज का मूल मंत्र क्या है भाई, कैसे बनेगा विवाह का योग। मन मुताबिक और योग्य जीवन साथी शीघ्र पाने के लिए सर्वप्रथम जो हम सलाह देते हैं वो देते हैं कन्या को बृहस्पतिवार का व्रत रखने की और साथ ही केले के वृक्ष का विधि विधान से पूजन करने की। यदि आप अविवाहित हैं और चाहते हैं कि आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो, कन्या हैं और आप स्पेशली, तो आप बृहस्पतिवार का व्रत करें, साथ ही केले के पेड़ की विधि विधान से पूजा करें। अत्यंत प्रभावी सनातनी उपाय है, बहुत प्रभावी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शीघ्र विवाह के लिए कन्या द्वारा, ये उपाय जो है वो कन्या के लिए ही है ज्यादातर, शीघ्र विवाह के लिए कन्या द्वारा 16 सोमवार का व्रत रखने और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शीघ्र विवाह का योग बनता है। यदि किसी कारणवश कन्या का विवाह इन 16 सोमवार के बीच में तय हो जाए, तो व्रत को अधूरा ना छोड़ें, व्रत पूरे 16 सोमवार करें। अब बात आती है यदि आप पुरुष हैं, यदि आप कन्या नहीं है, एक लड़के की हम बात करें, पुरुष की हम बात करें, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? शिवलिंग पर जल तो आप भी चढ़ाना शुरू कर दें हर सोमवार, साथ में एक छोटा उपाय और कर लें तो बात बन जाएगी कहीं ना कहीं। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाना शुरू कर दें और केले के वृक्ष को एक हल्दी का टीका लगा दिया करें और साथ में 200 ग्राम चने की दाल किसी मंदिर में किसी गरीब व्यक्ति को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है दान करना शुरू कर दें। बस ये छोटे छोटे उपाय आपके विवाह का योग बना देंगे, आपके जीवन को थोड़ा सा आसान बना देंगे और आपके जीवन साथी की तलाश को कुछ हद तक आपके लिए पूर्ण करने में आप अहम भूमिका अदा कर देंगे। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।